जहां एक ओर विपक्षी पार्टियों द्वारा केंद्र सरकार को स्वर्ण आरक्षण देने पर घेरने का काम कर रही है और चुनावी जुमला बता रही है, वहीं भोजपुर जिले के भाजपा नेता संतोष पांडे ने इसे गरीबों के हित में बताया है। श्री पांडे ने कहा कि गरीब का बेटा ही गरीबों के बारे में सोच सकता है। देखिए, गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री है और वो जानता है कि हर वर्ग में गरीब तबका के लोग हैं। उसने मनसा बनाया कि स्वर्ण जैसे बिहार के अंदर बताया जाता रहा कि स्वर्ण उसी को कहते हैं जो हिंदू जाति में आते हैं, राजपूत, भूमिहार, लाला और ब्राह्मण, ये गुमराह करने के लिए, जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए विपक्षी ताकत रखते हैं जनता के बीच। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूरे 46,000 करोड़ की जनता को इससे लाभ मिला। जैसा कि आप जानते हैं कि ओबीसी में बनिया वर्ग लोग भी आते हैं और यही बिहार के अंदर ओबीसी आरक्षण में आते हैं और बिहार से जैसे ही बाहर जाते हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ स्वर्ण जाति में आते हैं, ऊंची जाति में आते हैं, तो उनको वहाँ लाभ नहीं मिलता है। जिस तरह से हम राजस्थान में जाएंगे तो गुर्जर है, गुर्जर जाति को वहाँ उच्च सामान्य जाति में डाला गया है, उनको भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों को भी, गुर्जर जाति को भी आरक्षण का लाभ मिला और आर्थिक आधार पर देश के प्रधानमंत्री ने जो आरक्षण लाया, ये सबसे बड़ा उच्च सवाल है कि 70 वर्षों की आज़ादी के बाद कोई इस तरह का आरक्षण मिल लाया। मैं उसका समर्थन करता हूँ और आने वाला दिन 9 फरवरी को बिहार में जिस तरह से स्वर्ण के लिए सोचने वाले बिहार के माननीय नेता, कदावर नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर ने बिहार में आंदोलन खड़ा किया था और उस आंदोलन का परिणाम केंद्र में मिला रविशंकर प्रसाद, राजनाथ सिंह के सहयोग से, और उसी को लेकर हम 9 फरवरी को उनका नागरिक अभिनंदन करने का निर्णय लिया है नागरिक सारणी भवन में, और भव्य आयोजन किया गया है उनके अभिनंदन में, स्वागत में, अच्छी बाइक रैली होगी, भी होगी उनके साथ अभिनंदन में, और गणमान्य शहर के प्रबुद्ध लोग रहेंगे, माननीय हमारे सारे विधायक भी, पूर्व विधायक भी रहेंगे, और स्वर्ण आरक्षण संघर्ष मोर्चा बिहार प्रदेश की तरफ से।